एक आदमी कहता है दो भाइयों की दुकान है, एक की अच्छी चलती है और एक की नहीं चलती है, इसमें किस्मत का हाथ है। मैं पुलक सागर किस्मत का हाथ नहीं मानता हूं, ध्यान रखिए। मेरी सोच अलग, मेरा चिंतन अलग है। जब एक सा माल है, एक सी दुकान है, एक सा स्थान है, एक समय पर खुलती है, एक समय पर बंद होती है, तो क्या वजह है एक की चलती है और एक की नहीं चलती है? जब माल एक सा, रेत एक से, स्थान एक सा, तो इसमें किस्मत का हाथ नहीं होता, इसमें जुबान का हाथ हुआ करता है। एक मीठा बोलता होगा, सभ्यता से बोलता होगा, और एक के बोलने का लहजा अच्छा नहीं होगा, इसलिए कोई भी उसके घर पे जाना पसंद प्रयास कर लेना। मीठा बोलो, मुस्कुरा के बोलो, अच्छे से बोलो, दुकानदार 10 बार तुम्हारे पास ग्राहक आएगा। ध्यान रखिए, बोलने का सब खेल। बोलिए जरा मीठा। ये महिलाएं लिपिस्टे कोई बात नहीं, लिपिस्टिक कौन लगाती है, ओठों को लाल कौन करती है, जिसकी जुबान हलाल करती है। बाकी ओठों को लाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपसे एक बात बताऊं, ओठ भले काले हो लेकिन जुबान मीठी हो तो उसे हर कोई पसंद करता है। ध्यान रखिए, काले ओठों को भी लोग पसंद कर लेते हैं, बदसूरत औरत हो लेकिन बोलती सलीके से हो, बड़े प्यार से, तो रंग का कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। ध्यान रखिए, ओठों को श्रृंगार का ध्यान रखना, स्मार्टनेस का ज्यादा महत्व नहीं है जीवन में। चलो तुम कहते हो 20% स्मार्टनेस का महत्व, मेकअप करिए, ब्यूटी पार्लर जाइए, श्रृंगार करिए, 20% बस, 80% हमारे व्यवहार और जुबान का महत्व हुआ करता है। ध्यान रखिए, ये 20% वाला तो एक पसीना आएगा और बह जाएगा, 80% वाला तो मरकर भी दुनिया में याद किया जाएगा। ध्यान रखिए, 80% हमारी जुबान का फर्क पड़ता है, 80% हमारे व्यवहार का लोगों के जीवन में फर्क पड़ता है। ध्यान रखना, कितना भी शरीर को आभूषण की कीमत ज्यादा नहीं है, सुंदर सुंदर आभूषण से भी लाभ दिया जाए, व्यवहार खराब हो तो लोग उसकी तरफ देख एक बार तो देख लेंगे, बड़ी स्मार्ट, बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत लग रही है, और जैसे ही वो अपनी पे आ गई लोग कहेंगे इससे हमारा पीछा छुड़ाई। ध्यान रखिए, जुबान पे ध्यान रखिए।